नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद साथियों। आज पढ़ने वाले हम नाउन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, नाउन जो है अपने पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश का सबसे अगर बेसिक आपको तैयार करना है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच का ही जो है अपना होता है पार्ट नाउन। अब देखो इसमें क्या क्या आता है पार्ट ऑफ स्पीच में, जैसे नाउन, फिर ले लो आप दूसरा प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हो उसी को हम अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, जिसे आप हिंदी में सर्वनाम कहते हो उसी को हम अंग्रेजी में जो है प्रोनाउन कहते हैं, जानते हो आप। तीसरा जैसे एडजेक्टिव, चौथा ले लो वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, तो दोस्तों देखा आपने पार्ट ऑफ स्पीच के जो है पार्ट थे अपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर को अगर सिस्टमेटिकली आपको पढ़ना है तो ये चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए, ये आपके क्लियर होने चाहिए। इनमें सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों अपना नाउन। अब ये नाउन क्या कहते हैं, जिसे आप हिंदी में संज्ञा कहते हो वही अंग्रेजी में नाउन कहलाता है। बात करें दोस्तों इसकी परिभाषा की, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो है नाउन कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब इससे आपको एक हिंट देना चाहूंगा, चाहे कोई सा भी नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम, मतलब किसी भी जानवर का नाम भी हो सकता है, किसी भी लिविंग और किसी भी नॉन लिविंग बींग का, उसके साथ किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी वस्तु का या किसी स्थान का जो नाम होता है उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहां किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, यही तो संज्ञा है, उसी को तो हम नाउन कहते हैं। मतलब सीधी सी परिभाषा है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। कहीं पे भी अगर किसी का भी कोई भी नाम आता है तो वो जो है नाउन है। अगली बात करें दोस्तों इसके प्रकार की, तो अंग्रेजी में दोस्तों वैसे विशेष रूप से पांच प्रकार की नाउन होती है, पांच प्रकार की संज्ञा होती है, टाइप या काइंड्स ऑफ नाउन। तो बात करें दोस्तों तो ये कितनी होती है, ये होती है दोस्तों पांच प्रकार की। एक होती है प्रॉपर नाउन, एक होती है दोस्तों कॉमन नाउन, एक होती है कलेक्टिव नाउन, एक होती है मटेरियल नाउन, और एक होती है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखा दोस्तों, ये अपने पांच प्रकार है नाउन के। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। हिंदी में जो अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो अपनी हिंदी में जातिवाचक संज्ञा होती है, विशेष का जो हमें भान कराती है वो होती है कॉमन नाउन, ये होती है जातिवाचक
तीसरा है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? समूहवाचक होती है। अगली होती है दोस्तों मेटेरियल नाउन, ये होती है दोस्तों पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। इसे आप पदार्थ या द्रव्य, यहां ध्यान देना दोस्तों ये द्रव नहीं है, नॉट लिक्विड, द्रव्य, द्रव्य पदार्थ को ही कहते हैं द्रव्यवाचक। और अगली है सबसे लास्ट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। अब देखिए ये क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में उनमें से कोई सी भी नाउन हो सकती है, ठीक है। तो इनकी पहचान क्या है, किसे क्या कहते हैं, कुछ छोटे मोटे हिंट्स देता हूं मैं आपको। जैसे बात करें दोस्तों प्रॉपर नाउन की या व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दोस्तों किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, जो उसका खास प्रॉपर नाम है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, इंडिया, जयपुर। अब देखिए राम किसी व्यक्ति का नाम है, इंडिया अपने देश का नाम है, किसी स्थान का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है। या मैं कह दूं कि जैसे कोई स्पेशल कोई बिल्डिंग है, मतलब ऐसी किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर नाम है, जो नाम है, जैसे राम, इंडिया, जयपुर, ये दोस्तों ये जो नाम है ये आते हैं प्रॉपर नाउन में। अब बात करते हैं दोस्तों कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन जो है जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं, मतलब किसी जाति विशेष का बोध कराती है। जाति का मतलब एक क्लास, एक कैटेगरी। जैसे मैं कहूँ बॉय, तो अब बॉय, बॉय एक कैटेगरी है, ह्यूमन है, और ह्यूमन में दो है, गर्ल और बॉय। तो बात करें अगर बॉय की, और अगर लेकिन अगर किसी बॉय का नाम हो तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर एक बॉय कैटेगरी की बात की जाए दोस्तों, तो ये कैटेगरी जो है कॉमन नाउन में आती है। इसी प्रकार मैं और नाम बताऊं आपको, जैसे कंट्री, इंडिया कंट्री। लेकिन अगर इंडिया होता तो प्रॉपर नाउन था, लेकिन मैंने कह दिया कंट्री, तो क्यों, चूंकि कंट्री एक जो है कैटेगरी है, इसलिए यह इसमें आ गया। और जैसे कोई सिटी, जयपुर, अब नाम हो गया जयपुर, तो जयपुर तो प्रॉपर में आ गया, लेकिन ये क्या है, ये एक सिटी है, तो सिटी एक कैटेगरी है, तो ये सिटी जो है कॉमन नाउन में आता है। जैसे इसमें लेंगे हम बॉय, कंट्री, सिटी, या फिर मैं यूं कहूं कि एनिमल, क्योंकि एनिमल, एनिमल तो एक कैटेगरी हो गई, उसके अंदर मैं ये कहूँ कि बफेलो, तो बफेलो भी एक सब कैटेगरी है। उसी प्रकार से अगर कोई नाम होता, प्रॉपर नाम होता, तो वो आता प्रॉपर नाउन में, और कॉमन जो है कैटेगरी का नाम आ रहा था वो आता इसमें। अब आता है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स है समूहवाचक, एक ग्रुप है। अगर ग्रुप की बात की जा रही हो तो वो आता है कलेक्टिव नाउन में। जैसे ले लो आप एक टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। कोई भी ग्रुप आ गया, ठीक है, जैसे कोई लाइन आ गई, इस तरह की चीज़ें जो होती है, जैसे क्राउड है, भीड़, तो इसमें ले लो आप ग्रुप, टीम, ये चीजें जो है इसमें आती है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट मेटेरियल नाउन की, तो मेटेरियल नाउन कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा को। जितने भी पदार्थ हैं उनको जो है मेटेरियल नाउन कहते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक भी हम कहते हैं हिंदी में। जैसे गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये चीजें जो है ना ये इसके अंदर आती है। गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि केवल ये चीजें आएगी, इसके अंदर जो है साथ में ये भी आ सकता है, लिक्विड में जैसे वाटर, एयर, ये चीजें भी जो है मेटेरियल नाउन के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये होती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। किसी भी प्रकार का भाव, फीलिंग्स जो हमारे अंदर आती है, वो सब आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे प्यास, भूख, ठीक है, प्यार एंड इमोशंस जो भी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे हेट, घृणा, ये भी इसी में आता है, लव, ठीक है,
एंड फीलिंग्स एंड हंगरी थ्रस्ट इस तरह की चीज़ें जो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अब हम कल एक एक करके अगली क्लास में हम इन पांचों नाउन को जो है हम पढ़ेंगे और फिर इनकी जो दो खास कैटेगरी बनाई है उनको भी हम अगली क्लास में समझेंगे। ये थी दोस्तों अपनी नाउन और उसके प्रकार।